हम जब भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं तो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या दिखती है, एडिट तो हम बहुत अच्छा खासा कर लेते हैं बट हमारे हेयर्स, हमारे बियर्ड्स वगैरह, हमारी लुक जो होती है जिनसे कि इन्हीं चीज़ों से इन्हेंस होती है, वही बेकार होते हैं और होना भी चाहिए यार। हम हर वक्त हम नाई के पास जैसे भाई करा रहा है, हम हर वक्त जाके तो करा नहीं सकते ना कि भैया कर जल्दी से, मुझे शूट करना है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते और हमारे पास इतना होता भी नहीं और रोज नाई के पास जाना भी अच्छा नहीं लगता है। तो आज के तरीक़ों से मतलब आज आपको मैं कुछ ऐसे एडिटिंग टिप और प्रो और कुछ नूब वाले भी दूंगा जो बिगनर्स करते हैं करने कम को करना चाहिए, और कुछ प्रोफेशनल तरीके बताऊंगा, कुछ प्रो तरीके बताऊंगा जो कि आपकी बहुत हेल्पफुल होने वाली है, आपको मतलब ज़िंदगी जिंगल अलग कर देगा ही। तो मतलब हम जब भी शूट कराते हैं तो आपके हेयर जो फजी से आ रहे हैं, बहुत बेकार से आ रहे हैं थोड़े से, तो बहुत अच्छे अमेजिंग तरीके बताऊंगा जिससे कि आप अपने हेयर्स में वॉल्यूम दे सकते हैं या डुप्लीकेट हेयर्स बना सकते हैं और बिल्कुल लोगों को पता ही नहीं लगे आके कि मैंने खुद ट्राई किया हुआ और लोगों को पता नहीं लगा है, लोगों ने कमेंट किया है। तो उससे पहले वेलकम आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है डीके क्रिएशन ट्यूटोरियल। बिना देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने ए वाली अपनी फोटो खोली हुई, ओपन की हुई है, इसका कॉन्सर्ट मैंने यार क्रिएट किया है इंस्टाग्राम पर, आप देख सकते हो। तो अभी क्या है कि मेरे वैसे तो बेस्ट पिक्चर नहीं है आपको हेयर एडिटिंग के लिए, तो इसके हेयर की कटिंग मैंने बहुत अच्छी की, अगर आपको सीखना है इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है तो आप सीख सकते हो कि मैंने ऐसे हेयर कैसे किए हुए हैं इतने अच्छे से कटिंग। तो अभी क्या करते हैं कि जैसे कि अगर आप हेयर इतनी अच्छी तरीके से नहीं भी कर पा रहे हो ना, मतलब कटिंग नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि जब आपने सोचो कि कटिंग कर ली है ठीक है समय, तो अभी आपको इस पर इफेक्ट में जाना है और इसके पेंट में जाना है। पेंट में जाने के बाद आपको इसे जूम करना है, आपके उससे तो ऑब्वियसली हम हेयर का काम करने वाले तो आपको हेयर के पास ही आना पड़ेगा, और उसके पेंट वाले में जाना है और यहाँ पे एक ड्रॉपर टूल होता है, ड्रॉपर टूल को लेंगे और हम कहीं भी ऐसे ड्रॉप करेंगे तो जो भी आपके हेयर के बाल होंगे जहाँ से आपने बढ़ाना हो, जैसे कि आपने जहाँ से हेयर को रिटच करना हो, तो अभी मैं यहाँ पर रखूँगा ठीक है। तो यहाँ पर रखने के बाद क्या है, अभी मैं ब्रश पे जाऊँगा, ब्रश का दूसरा ब्रश क्लिक करूँगा और इसका बिल्कुल वन कर दूँगा, इसका बहुत छोटा हो जाता है जो कि बहुत हमारे लिए अच्छी चीज़ है वो। तो अभी क्या है कि मैं ऐसे ऐसे इसको हल्का हल्का ऐसे ऐसे बालों को अपने ऐसे ड्रॉ हो रहा है इस समय और ये ट्रांसपेरेंट ही रहेगा, तो ऐसे ऐसे मैं करूँगा, ऐसे बीच बीच में आपको कलर को ना चेंज करते रहना है, कभी कभी डार्किश ले लेना है, कभी कभी लाइट ले लेना है जो कि एक रियलिटी लेके आएगी बालों में आपके, तो ऐसे ऐसे आपको करते रहना है ठीक है। तो आई होप इसको इस मतलब ये चीज़ बहुत उससे आसान होने वाली है और ये मतलब बिगिनर्स के लिए है, अगर आपको मतलब हाई लेवल का नहीं करना है तो ये उनके लिए ही है, मतलब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे है बहुत जगह पे, मतलब ऐसा नहीं कि काम नहीं आता है, बहुत जगहों पे काम भी आता है, बहुत अच्छे तरीके से काम आता है, तो अगर आपको ऐसे करना है कटिंग के तुरंत बाद इसको ऐसे कर लेना है तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ अपने बालों को थोड़ा सा ना एक एक बाल दिखेंगे तो लोग कहेंगे कि भाई तूने एक एक बालों की कटिंग कैसे की है, तो सिंपल यही से चीज़ होती है कि यार एक एक बालों की कटिंग के पीछे हार्डवर्क करने के चक्कर में आप उससे अच्छा कि ऐसे ड्रॉ कर लो, बात सेम हो जाती है, तो सिंपल आके यहाँ पे काम हुई कर ले वो अच्छी चीज़ रहेगी। और हाँ, इस पर ऐसा नहीं कि सिंपल एक कलर ही करते रहना, आपको बहुत बेकार चीज़ हो जाएगी, आपको बीच बीच में मतलब कलर चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से आपको ड्रॉपर टूल लेके ऐसे ऐसे कलर चूज करके यहाँ से क्लिक करके और चेंज करना पड़ेगा, तो ऐसे एक एक दो बार से बाहर की तरफ ही निकाल दें। अगर आपको ऐसे होते ना कभी कभी मेरी फोटो में आपने देखा होगा कि मैं ऐसे लटे बनाता हूँ, तो लटे कैसे बनाता हूँ आपको, वैसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसका जो मैं क्या कि स्ट्रेंथ को 92 पर रखता हूँ और मैं ऐसे से इसको ड्रॉ करता हूँ सिंपली ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि बस एक कलर से मैं सिलेक्ट करता हूँ, अलग अलग कलर, जैसे कि ना हाईलाइट के लिए, हाईलाइट के लिए मैं ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा और डार्कर कलर चूज़ करने के लिए मैं फिर से मैं करूँगा और देखूँगा सबसे डार्कर कौन सा है, वो करने का ऐसे कर लेता हूँ, फिर एक सबसे ज़्यादा हाईलाइट वाला कलर लूँगा जो बिल्कुल हाईलाइट हो, या इसी को मैं हल्का सा हाईलाइट कर देता हूँ, अब देखते हैं। तो सिंपली मैं ऐसे इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ, तो आप देख सकते हो जब आप दूर से देखोगे तो बहुत अच्छी एक अमेजिंग सी लुक आएगी। तो अभी मैं हम यूज़ करेंगे हम अडोब फोटोशॉप फिक्स को, तो इसमें मैं फोटो उसी पिक्चर को मैं लेकर आता हूँ और मैं उसको उसी बालों को एडिट करके दिखाता हूँ मैं। तो मैं सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ चीज़ों को। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास ए वाली पिक है, ओ वाली पिक इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि उसका मेरे PNG फॉर्म में, PNG फॉर्म में मेरा मतलब एक्सेप्ट नहीं करता है, तो आप PNG इसमें कभी लेके नहीं आ सकते हो। तो अभी देखो ये पिक है मेरी JPG फाइल में, JPEG है, तो अभी इसके बालों पे मतलब बहुत अच्छा हुआ, लुक अच्छा है और कम इसको और अच्छा कर सकते हैं, अच्छी सी वॉल्यूम दे सकते हैं। तो वॉल्यूम देने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है बट आपको क्या करना है, लिक्विफाई में जाना है
ठीक है। और हाँ, यहाँ पे फेस का भी आप देखो, यहाँ पे एक ऑटोमेटिक फेस का भी आप फेस को भी अच्छा सा कर सकते हो, आइज़ को बड़ा छोटा कर, देखा आइज़ का आ गया ना, तो इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, आइज़ के साथ छेड़छाड़ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, देख सकते हो आप कैसा है आइज़, चाइनीज़ बना सकते हो, जापानीज़ बना सकते हो, जैसा भी आपका मन करे। तो इसको तो मैं रीसेट ही करूँगा, इसको मेरे को छेड़ना ही नहीं है। तो अभी क्या है, लिक्विफाई में जाते हैं हम। और हाँ, यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हो, नोज़ को भी आप छेड़ सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे क्या है, मैंने अपना ओवरऑल फेस को रिटच किया हुआ है, नोज़ वगैरह बहुत शार्प किया हुआ है, बहुत अच्छा सा किया हुआ है, तो बस बाल रह गए हमारे। तो अब बालों के लिए क्या करना है आपको, देखो आपको वॉर्प टूल पे जाना है, तो एक क्या करना है आपको, कटिंग के पहले लेकर आना है, ठीक है ना। और यहाँ पे साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हो, तो मैं साइज़ अपने मुँह के हिसाब से रखूँगा, जैसे मेरा मुँह जितना बड़ा है उतना बड़ा, ठीक है। तो ये हमारा साइज़ भी हो गया, अब मैं इसको जूम करूँगा। और बिल्कुल आपको ना ऐसे बालों पे नहीं ऐसे रखना है, मैं ऐसे दूर रख के करता हूँ ना, बालों के ऊपर नहीं, ऐसे दूर रख के, ताकि एक वॉल्यूम आए, बालों के ऊपर नहीं रखना इसको। अब क्या है कि अब जैसे कि ना फ्रंट साइड के जो बाल हैं मेरे को, इनमें वॉल्यूम लेके आनी है, तो अब इन पे रखने के बाद अब इसको मैं हल्का हल्का ऊपर करूँगा। तो ये मैं ऊपर कर रहा हूँ, और आई नो ये मेरा माथा भी बहुत ख़राब हो जाएगा इससे, बट उसका मैं सोल्यूशन बाद में दिखाता हूँ आपको, क्या सोल्यूशन क्या है। तो पहले मैं अपने, अभी हम कॉन्सनट्रेट करेंगे अपने बालों के ऊपर, तो बाल जितने ज़्यादा हो सके उतने अच्छे हैं। और आज जितना देर तक इस पर टैप करके रखोगे, उसकी पावर उतनी बढ़ती है, और ये उतना ज़्यादा इसको स्ट्रेच करता है। आई होप आपको समझ लग रहा होगा। तो अभी देखो मेरा पफ भी, जो आप फ्रंट के बाल के पफ होते हैं, वो भी अच्छा निकल रहा है मेरा। तो इसको मैं और थोड़ा सा और अप कर लेता हूँ, शायद नीचे से भी मैं कर लेना चाहिए, क्योंकि माथा बहुत लंबा हो रहा है मेरा। तो ऐसे जल्दी जल्दी से मैं कर लेता हूँ, अभी एक मेरा अच्छा सा पफ आ चुका है, ठीक है। और आप बहुत एलियन लग रहा है, नो एलियन लग रहा है, इसको मैं यहाँ से छोड़ता हूँ, यहाँ से मैं डन करता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ गैलरी में, ये मेरे गैलरी में गया। अब हमको क्या खोलना है, हमको पिक्से प्रो खोलना है, तो पिक्से प्रो को मैं इधर ही ले आता हूँ, जल्दी से आ जाओ भाई तेरा हमारा पिक्से प्रो, पिक्से प्रो को मैं खोलता हूँ, खुल जा सिम सिम, ये वही वाला फ़ोटो खुला हुआ है, हमको नया लेना है भाई। तो गैटे पिक, सॉरी 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 सॉरी, गैटे पिक्चर पे जाता हूँ मैं, और अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट करता हूँ पिक्से प्रो में, इसको मैंने ओपन कर लिया, देख सकते हो वही वही वाली पिक्चर है, इसके साथ नोज़ वगैरह सबको रिटच अच्छा सा हुआ। अगर आपको सबकी रिटचिंग की सीरीज़ चाहिए, तो मैंने एक सीरीज़, मतलब ये जो हमारी वीडियो चल रही है, ये सीरीज़ का ही पार्ट है, तो मैंने इनके ऊपर पूरे डिटेल वीडियो बना चुका हूँ मैं, आइज़ वगैरह पे, स्किन टेक्सचर के ऊपर भी। तो मेरे को इंसर्ट पिक्चर पे जाना है, और उसी पिक्चर को लेकर आना जब मैंने सेव किया हुआ था, तो मैं जल्दी से उसको लेकर आता हूँ, यहाँ पे मेरे अडोब फोटोशॉप वाले फाइल में होगा, और इसको ले आया मैं, उसको डन करता हूँ यहाँ से, और इसकी मैं ओपेसिटी देखता हूँ। तो अभी क्या सीन है कि जो मेरा अभी देखना, जो मेरे माथे से यहाँ से बाल स्टार्ट हो रहे हैं ना, दिखा रहा हूँ आपको मैं, तो वो भी ऊपर की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करना है मेरे को, देखो अभी मैं यहाँ पर ले आऊँगा बीचों बीच में, इसको फ़ोटो को मैं हल्का सा नीचे करूँगा, ठीक है। अब इसकी मैं ओपेसिटी को बढ़ा लेता हूँ और डन करता हूँ यहाँ से। अब इसको इरेजर में जाने के बाद, मैं फुल है बिल्कुल साइज फुल करने के बाद इसको इरेज कर दूंगा, जैसे कि सब इरेज हो गया, ठीक है। अब मेरे को ब्रश सेलेक्ट करना, और ब्रश को, सॉरी यहाँ से थोड़ा टाइम लेगा पिक्से प्रो इसको लोड लेने में, फाइल साइज़ का जो फाइल है बड़ा, फाइल का जो साइज़ बड़ा है थोड़ा सा, क्या बोलता रहता हूँ मैं अभी आजकल। तो अभी देख सकते हो आप, मैं यहाँ पे अभी बाल को ड्रॉ कर रहा हूँ, बालों को, तो जल्दी इसको मैं ड्रॉ करता हूँ जल्दी ऊपर की तरफ, और बाद में इसको कटिंग तो आपने करनी ही है, तो जल्दी जल्दी मैं कर लेता हूँ यहाँ से भाई, हो जा जल्दी, हो जा हो जा हो जा। अब देख सकते हो आप कितना अच्छा एक पफ आ गया हमारे बालों में, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहाँ से ऐसे हम इरेज कर सकते हैं आराम से अपने इरेजर की हेल्प से। सो अब देख सकते हो आप हमारा बाल पहले कैसा था और अब कैसा हो चुका है, तो ए बिफोर और ए आफ्टर, ए बिफोर और ए आफ्टर। तो चलिए थोड़ी प्रो तरीकों की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा प्रो हो जाए। तो अब हमने खोला अपना ऑटो डेस्क, ऑटो डेस्क का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर ले, और मैं भी प्ले स्टोर वाला ही यूज़ कर रहा हूँ। तो जितने भी चीज़ें हैं अब पिक्से प्रो को छोड़कर, और आपको पिक्से प्रो डाउनलोड करना है, तो मेरे इंस्टाग्राम के हाईलाइट में ना आपको स्वाइप अप का मिल जाएगा, आप स्वाइप अप करोगे आपको APK मिल जाएगा प्रो वाला, ठीक है। तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी क्या है कि हम प्रो चीज़ों पर आते हैं, कि अभी मैंने क्या किया कि हमें फ़ोटो कटिंग बहुत अच्छी की हुई है, आई नो, तो बट सीन क्या है, देख सकते हो कटिंग तो मैंने बहुत अच्छी की है। आप कटिंग कैसे करता हूँ आपको मिल जाएगा, आपको ट्यूटोरियल्स के ऊपर मिल जाएगा, अब मैंने दिया हुआ है पहले डिस्क्रिप्शन में, उसका भी लिंक दे दूंगा मैं, एक बालों की कटिंग कैसे की है मैंने। तो अभी सीन क्या है कि मतलब अभी देख सकते हो कि अभी मेरे पास
हेयर्स की बात चल रही है ना हमारे, तो हमारे एक तो सिर पे हैं और एक अभी फेशियल हेयर है, दो बियर्ड्स हैं, मस्टर्ड हैं, तो अभी हमने इन पे काम करना है थोड़ा सा, ठीक है। तो सबसे पहले अच्छे से मैं आपको ब्रशेस दिखा देता हूँ जो बेस्ट है इसके इस चीज़ों के लिए। तो मैं नीचे स्टार्ट करता हूँ, तो नीचे से आपको ये वाला ब्रश आपको दिख रहा होगा, ये जो है इंक पेन मिला हुआ आपको, हमको ब्रश आर्टिस्टिक में है, आर्टिस्ट वाले में है, एक इंक पेन गोल्डन रंग का है आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्या है आपको ऐसे आना है, और आपको देखना होगा ना इसकी साइज़ बहुत छोटी है, तो ये भी नहीं लेना हमको अभी। एक पेन अभी आपको मैंने बताया, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आप वो ले सकते हो जिसकी साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी है, यहाँ पे आपको डेमो दिखा रहा है ना ऊपर, उसको देख के आप लगा सकते हो अंदाज़ा। आप इसको भी ले सकते हो कॉपिक में आके आप पहले वाले को ले सकते हो, मैं आई थिंक मैं इसमें से आप किसी को भी ले सकते हो, और पर मेरा फेवरेट यही रहेगा जो इसमें भी शायद इंक की जैसे या कुछ इसका है कॉपिक ड्राइंग पेन एफ, इसको ले सकते हो। और एक मेरा फेवरेट पर्सनल फेवरेट ए वाला है मेरा इंकिंग पेन, ठीक है, आपको लेगेसी मिल जाएगा, इंकिंग पेन मिल जाएगा, और उसके साथ वाला भी आप यूज़ कर सकते हो, और आप इसको तो आराम से लेगेसी वाले में ज़्यादातर टूल्स आप यूज़ कर सकते हो हेयर्स के लिए, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। और आप हमने तो पहले देख ही लिया फाउंटेन पेन, फाउंटेन में भी सेम वही तरह काम करेगा, बहुत अच्छा है इसके लिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपने फाउंटेन पेन से, तो फाउंटेन पेन में आते हैं, और इसमें हमें एक सबसे पहले हम इस पर ले लेंगे एक अपना अलग सा लेयर ले लेंगे, और इसमें आप ट्रांसपेरेंट मतलब सेव कर सकते हो। कैसे सेव करते हैं बहुत लोगों को करना नहीं आता, जो नीचे बैकग्राउंड होता है ना वाइट कलर का बैकग्राउंड, इसको बंद करके फिर आराम से इसको सेव कर सकते हो। यहाँ से देखो यहाँ से आता है शेयर, यहाँ से आप सेव कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ उसको बंद करता, अभी तो उनको देखना है ना अच्छे से, देखना है वाइट कलर पीछे, तो इसलिए मैं इसको ऊपर ही रखता हूँ, इसकी आइज ऊपर रखता हूँ। अब क्या करना है आपको, यहाँ से इसको सिलेक्ट करना, नीचे देख सकते हो अभी सर्कल होता है छोटा सा, इसको सर्कल को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे एक ड्रॉपर होगा, ठीक है, इस ड्रॉपर को सिलेक्ट करो, और आपको हेयर्स के पास का कोई भी एरिया आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब ब्रश का जो साइज़ है, ब्रश के ऊपर टैप करो, राइट लेफ़्ट करो, इससे आप साइज़ को बढ़ाया छोटा कर सकते हो, जो जौन सा मतलब जितना ज़्यादा छोटा रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं 0.8 रख रहा हूँ इस समय। अब मैं करूँगा ऐसे ड्रॉ करूँगा, ठीक है, ऐसे मैं अपने बालों को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही आपको ऐसे ड्रॉ करते जाना है। सो अभी देख सकते हो कि मैंने मतलब लगभग ड्रॉ कर लिया, इसका डिफरेंस दिखाता हूँ आपको मैं, पहले ऐसा था अब ऐसा होगा, एक मैंने अच्छा सा हेयर ड्रॉ कर दिया और एक एक बाल दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि हमको एक एक बाल दिख रहे हैं जो रियल लग रहे हैं, ठीक है, दूसरे देखोगे आप तो, अब अगर आपने प्रोसेस ना देखा हो तो ऑब्वियसली ही कहते हैं। तो बट अभी क्या है कि अब देखोगे ना तो जो मेरे अभी मैं कलर दिखाता हूँ, कलर कोई और चूज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ से, तो जो यहाँ के बाल हैं और यहाँ के बाल हैं इनमें क्या फ़र्क है टेक्सचर्स के, यहाँ पे टेक्सचर्स बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल टेक्सचर्स नहीं है, बट यहाँ पे जो है टेक्सचर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर के टेक्सचर हैं। तो मैं इन कलर को अंडो करता हूँ, आपको मैं टेक्सचर डाला दिखाता हूँ, टेक्सचर कैसे डाल सकते हैं हम। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉपर फिर से सिलेक्ट करना है, एक बार ड्रॉ करने के बाद यहाँ मैं सबसे ब्राइटेस्ट कलर बालों का चूज़ करूँगा। अब इसको मैं ऐसे ड्रॉ करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है, ब्राइटेस्ट कलर के साथ, ठीक है, तो ऐसे करता रहूँगा जल्दी जल्दी मैं। अब जहाँ जहाँ आपने ऐसे ड्रॉ किया हुआ ऐसे ब्राइटेस्ट कलर के साथ आपसे ड्रॉ कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से। उसके बाद हल्का सा आपको ऐसे ना मतलब ड्रॉपर ले लेना, सॉरी, और एक डार्केस्ट ले लेना है, अब यहाँ से डार्केस्ट कर दें, ठीक है। अब देखो एक टेक्सचर आ रहा है ना आपके बालों में, तो आप देख सकते हो एक टेक्सचर सा आ चुका है, ठीक है ना। अभी मैं अगर चाहूँ तो एक और मतलब ब्राइटेस्ट कलर ले सकता हूँ, यहाँ से मैं कलर को खुद पर भी चूज़ कर सकता हूँ, ऐसे कि अभी ये सबसे ब्राइटेस्ट कलर आ गया, ठीक है ना। अभी मैं इसको अप्लाई करता हूँ, देखते हूँ थोड़ा सा और ब्राइटेस्ट ले लेते हैं, चलते हैं अब, ठीक है इतना, ठीक है, और इसके साइज़ को भी मैं कम करता हूँ। अब देखिए, अब मैं ब्राइटेस्ट कलर ले लिया मैंने, और हल्का सा मैं अपने बालों के साथ मर्ज करता हुआ ड्रॉ करूँगा, तो एक अच्छा सा एक मतलब एक लग रहा बाल अलग अलग तरीके के यहाँ पे बाल हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे रखता हूँ मैं आपको, अब डिफरेंस बताना बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जैसे सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, बेस कलर लेना, बेस कलर मतलब मेन चीज़ यहाँ पे बेस कलर है, तो बेस कलर क्या करना है आपको, यहाँ पे ऐसे लेना है और एक बेस कलर ले लेते हैं यहाँ से मैं, ये वाला हमारा बेस कलर हो सकता है, तो अभी मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। कर दिया, अभी हमें मैंने क्या किया बेस तैयार किया, अब इस पर हमने शेडिंग देनी अभी देनी है,
तो अभी मैं इसके डार्केस्ट कलर चूज़ करूँगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरा डार्केस्ट कलर है, अब इस डार्केस्ट कलर को मैं से अप्लाई करूँगा यहाँ पर। ठीक है, आपको ऐसे ना अलग अलग कलर को अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे जल्दी जल्दी में। तो उसके बाद मैं इसको, अब डार्केस्ट कलर थोड़ा ज़्यादा हो गया तो अब मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेके देता हूँ। तो हाईलाइट कलर के लिए मैं हल्का सा वाइट की तरफ जाऊँगा। अगर आपको ऐसे लगे कि मेरे ऊपर अप्लाई हो रहा है, ऊपर नहीं अप्लाई करना था, इरेजर का ऑप्शन आता है, हल्का हल्का करके ऐसे इसको इसको इरेज कर सकते हैं। इरेज हो रहा है पर साइज़ वो छोटा है तो मैं साइज़ बढ़ा लेता हूँ जल्दी। अब ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि अच्छा सा, मतलब एक अच्छा सा लुक आ गया हमारे बालों का। अभी क्या है कि हमारे फेशियल हो गया, और आपको अगर पफ वगैरह देना है तो वो तो आप पता, आपको कैसे देना आपको मैंने पहले बता दिया। अभी क्या है कि जहाँ पे लोग देखते हैं कि एक एक बालों की कटिंग कैसे की, अगर आपसे बालों की कटिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है ना, तो आप क्या करो, ऐसे ड्रॉपर पे जाओ, ऐसे कोई एक कलर चूज़ कर लो और इसको ऐसे छोटा कर लो, मतलब मिनिमम रखना 0.8 तक, ठीक है, 0.89 तक। अब इसको ऐसे अप्लाई करो, ठीक है, अच्छे से देख लें कि देख के करना पड़ेगा आपको, सही कर रहा हूँ कि मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपके आपके पास फोटोशॉप नहीं है, ठीक है, फोटोशॉप में अलग ही ब्रशेज़ होती हैं। तो अभी देख सकते हो एक एक बाल आ गए मेरे ऐसे 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 बाहर की तरफ निकाल दें। अभी क्या करना है, आपको एक लेयर लेना है, उसको नीचे की तरफ रखते हैं, सॉरी, अरे भाई क्या हो गया, तो इसको मैं नीचे रखूँगा अपने मॉडल के नीचे, ठीक है, मॉडल का कटिंग की हुई मैंने। तो अभी क्या कहा, मेरे पीछे दिख रहा, अभी मेरे ऊपर नहीं आएगा, मेरे स्किन के ऊपर नहीं आएगा, ये पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है, कलर जो भी होगा पीछे की तरफ जाएगा। तो इसकी तरफ आप पीछे की तरफ ऐसे आराम से एडिट कर सकते हैं कि जो बाल पीछे जा रहे हैं, तो सेम ऐसे भी यहाँ पर भी आप वैसे ही करना, आपको ऐसे एक बाल हमारे सिर के ऊपर नहीं आएगा, हमारे पीछे रहेगा हमारे, ठीक है ना। तो एक एक बाल जो होगा ना हमारा, ऐसे होता है कि एक एक बाल कैसे कटिंग कर ली भाई तूने, तो एक एक बाल यहाँ पर आपको ऐसे दिख जाएंगे, ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पर भी आप ऐसे ही अप्लाई कर सकते हो, जो एक्स्ट्रा निकल रहा है यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसकी साइज़ को बढ़ा के इरेजर सेलेक्ट करें और इसको ऐसे अप्लाई कर, सॉरी इरेज कर दें, शायद इस लेयर का ही है नहीं है वाला, तो इस लेयर का होगा ये, तो देखो इरेज हो रहा है अपने आराम से, ऐसे आराम से इरेज हो जाएगा। तो अब आते हैं हमारे से कि हेयर्स को, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा एक एक बाल को कैसे दिखाना है और पफ कैसे देना है, क्लियर हो रहा होगा। तो अभी क्या है कि हमको करना है, लटे वगैरह भी आपको दिखा दी, लटे कैसे दे सकते हो प्रोफेशनली तरीके से, और जो पिक्सी प्रो मैंने दिखा दिया जल्दी जल्दी तरीके से कैसे कर सकते हो। तो अभी हम आते हैं अपने बियर्ड्स पे। तो क्या है, मेरे बियर्ड्स वो बंदे बिल्कुल ट्राई ना करें जिसके बियर्ड्स बिल्कुल भी नहीं है। अभी क्या है कि मेरे भी ऐसे नहीं, बहुत ज़्यादा हैं और बहुत कम भी नहीं हैं। तो अभी यार मैं शेव वगैरह कर लेता हूँ तो मेरे दिखते नहीं होते हैं। तो अभी क्या है, मेरी ग्रोथ है अभी स्टार्टिंग है, ठीक है ना, अभी इस समय। तो अभी क्या, वहाँ पे जो वहाँ पे मेरे बियर्ड्स हैं वहाँ पे हल्का सा डार्किश एरिया है, तो मेरे को अभी क्या है कि उसको और ज़्यादा रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, तो बाय द वे अगर आपको सीखना है कि स्किन को स्मूथ कैसे करें, अगर आपको बियर्ड्स भी हैं तो बियर्ड्स को छोड़ के आपकी पूरी स्किन कैसे स्मूथ करें, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जाकर चेक कर सकते हो, बहुत अमेजिंग वीडियो, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। बट ये चीज़ मेरे केस में नहीं होगा क्योंकि मैंने अपने केस में मेरे पास बियर्ड्स ही नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो विजिबल ही नहीं है बियर्ड्स, ये बस वो शेडिंग दे रही है, हल्की सी डार्किश कलर दे रही है हल्की सी, और कुछ और ये वैसे भी मोबाइल से क्लिक किया गया फोटो तो उतनी डिटेल नहीं खींच पाता है, बियर्ड्स नहीं ले पाता है, कैमरा आपको पता ही है। तो एक मैंने लेयर ले लिया हुआ, अब क्या करना है हमको, देखो जो हमारे पास बियर्ड्स हैं इस पे ना आपको एक चूज़ करना है कलर ड्रॉपर देख के, आपको डार्किश कलर चूज़ करना है, इन्हें डार्किश कलर चूज़ कर लिया है। अब आपको आना है, सॉरी कुछ अप्लाई हो गया कलर, तो यहाँ से मैं अंडो कर लेता हूँ। अभी मैंने फाउंटेन पेन लिया, फाउंटेन पेन के अलावा भी मैं इसको लेके देखता हूँ, ठीक है। सबसे पहले सेटिंग में साइज़ को देखता हूँ, तो 0.0 है, ठीक है, सॉरी 2.0 है, तो मैं इसको बिल्कुल नहीं लूँगा क्योंकि मेरे को मतलब 0 वाले चाहिए कुछ जो 0 से काम करते हैं। तो इसका है हमारा, ये शायद काम कर जाए, ये बिल्कुल काम करेगा हमारा, तो जो मैंने बताए हैं वही वाले मैं यूज़ कर रहा हूँ, अब देख ले सकते हो आप, बिल्कुल बहुत अमेजिंग तरीके से काम करेगा। तो अभी क्या करना है मेरे को, एक ना मैंने एक लेयर लिया हुआ है, अभी मेरे को एक लाइनिंग बनानी है। अभी मेरे को पता नहीं, सच में बताऊँ तो मेरे को दाढ़ी के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि किस शेप में होता है, थोड़ा बहुत जो मेरे को पता है वही चीज़ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आपको जैसे मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आपको सेम ऐसे ही ड्रॉ करना है, तो जहाँ जहाँ जाना है मेरे को इसे ड्रॉ करना है वहाँ वहाँ पर मैं ऐसे बियर्ड्स से अप्लाई कर लेता हूँ सबसे पहले। तो इस मतलब इस लाइन में मैं जो ए वाली लाइन है, इस लाइन में मैं अपने बियर्ड्स बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जूम करना है
और ऐसे 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 अप्लाई करना है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, अलग लेयर ले लेता हूँ, सॉरी। तो अभी मैं इस पर एक ना एक इसलिए ले रहा हूँ अलग लेयर, सॉरी, इसको मैं अंडो करता हूँ। ये वाला हमारा अलग लेयर आ गया। मैं पिछले लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक बियर्ड्स के डिज़ाइन को ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे अंदाज़ा मिलता रहे, ठीक है ना। अभी मैं ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और अब मैं यहाँ पे अप्लाई करना स्टार्ट करूँगा, देख सकते हो। तो इसको मैं ऐसे से अप्लाई करता हूँ जल्दी 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 जल्दी। सीन है कि जब मैंने ड्रॉ कर लिया तो मैंने सोचा इतना बड़ा क्यों बनाया, बहुत टाइम ले जाएगा बियर्ड्स बनाने में। तो मैं क्या करूँ, सुबह अपने लेयर पे टैप करूँगा और यहाँ पे होगा डुप्लीकेट, डुप्लीकेट कर लूँगा। और यहाँ पर देखो एक बना है, यहाँ पे कंपास का बना होगा, उसको जब आप टैप करोगे ना तो आप देखते हो ऊपर यहाँ पे कंपास, वहाँ पे जब टैप करोगे यहाँ पे मेरे को ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र को टैप करोगे और यहाँ से आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से। आपकी जो मेहनत आपने थोड़ी सी की है उसको डबल कर सकते हो, समझ रहे हो। तो डबल हो जाएगा आपके मेहनत, एक बार काम किया उसको जितने मर्जी बार यूज़ कर सकते हैं। इससे मेहनत का मेहनत और फल का फल एक अच्छी है ना। तो ऐसा आप क्या कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव का भी ऑप्शन है। तो पर्सपेक्टिव पे जाने के बाद ऐसे अपने हिसाब से जैसे आपका फेस शेप हो रहा होगा उस हिसाब से छेड़ सकते हो। अगर ना हो रहा हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बस हल्का सा पर्सपेक्टिव मैच कर दो। और उसके बाद क्या करो कि इरेजर है, इरेजर से आपको इरेज कर दो। तो मैं भी, हम देखो यहाँ पे डार्क शेड ज़्यादा हो गया, जो डबल हो रहा है वहाँ पर ज़्यादा ओपेसिटी बढ़ रही है वहाँ पर। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे हल्का सा इरेजर को सिलेक्ट कर और उसको इरेज कर दूंगा तो एक हल्का सा एक सिंपल टोन आएगी। तो सिंपल से और इसी प्रोसेस को मैं बार बार रिपीट करने वाला हूँ। तो अब आप देख सकते हो, मतलब मुझे पता है, सच बताऊँ तो मुझे बियर्ड्स के बारे में नहीं पता है कि शेप में होता है, बट जितना मुझे पता था उतना मैंने बना दिया और एक बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है। आप अगर अभी देखोगे, अगर मैं सोचूँ, अगर आपने अगर ऐसे टाइम लैप्स ना देखा होता, अगर ऐसे मैं दिखा देता आप मुझे कहते कि मेरी असली की ही दाढ़ी है, ठीक है, उस टाइप से ड्रॉ हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो सेम इसी तरीके से आप ऐसे अपने मस्टैड जो है मूछे हैं या आपके जो ठुड्डी के नीचे बाल दाढ़ी होती है उनको भी ऐसे सेम इसी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो मुझे सब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है और हम उसलिए मैं सॉरी मांगता हूँ क्योंकि मुझे यार सच में नहीं पता है कि किस तरीके से दाढ़ी होती हैं। मतलब पता तो है बट मतलब ना मुझे शेप नहीं पता। अगर मैं किसी मॉडल को देख के अगर ड्रॉ करता होता तो शायद बन गया होता, बट अभी मैं क्या करूँ, मैंने देखा ही नहीं किसी का, मतलब अपने में ही लगा हुआ हूँ मैं। तो ऐसे आप ऐसे मस्टर्ड के भी ऐसे दाढ़ी को ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। तो आई होप आपके आज आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। और हाँ, वैसे ही आप ऐसे नए जो जो भी यहाँ पे ब्रशेस हैं इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हो, आप सेम काम करेंगे। और मतलब ये ध्यान रखना कि आपको जो भी चीज़ें हैं छोटी लेनी है, बड़ी चीज़ें नहीं लेनी है। मतलब बड़ी चीज़ों से बोले तो मतलब जिनका साइज़ 0.1 मतलब 1 से 0.2 में जा सके, मतलब डिक्रीज़ हो सके, वो वाले ही लेने हैं। सो बस इतना थी वीडियो में। और हाँ, मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा, तो क्योंकि यार नई चीज़ थी कुछ, शायद आपको ना पता हो कुछ लोगों को, कुछ लोगों को पता भी हो सकती है। तो जिनको जिनको पता थी अच्छी बात है, तो जल्दी से इसको अगर लाइक कर दें अगर आपको ना पता हो तो। तो अभी मैं आपको ट्रांसपेरेंट करके दिखाता हूँ इसको, मैं इसको लेयर को सॉरी मैं ओपन करता हूँ और इसके बैकग्राउंड को मैं बंद कर, अब देखो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। अगर मैं कोई बैकग्राउंड लगाना चाहूँ यहाँ पर तो आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर इम्पोर्ट, यहाँ पर होता है इम्पोर्ट इमेज, इसके मैं मतलब यहाँ से डन करता हूँ और अपने मॉडल के इसके नीचे रखता हूँ, सॉरी अरे इसको सिलेक्ट करके इसको नीचे रखता हूँ। अब आप देख सकते हो बहुत अमेजिंग तरीके से हो चुका है। मतलब अब इसमें हेयर्स भी सिलेक्टेड और हेयर्स ड्रॉ भी हुए हैं, जो कि आपको अगर कोई देखेगा तो पूछेगा, जरूरी पूछेगा कि भाई आपने एक एक ड्रॉ कैसे, मतलब एक जो हेयर्स है वो कैसे सिलेक्ट किया हुआ, इसको कैसे इरेज किया हुआ है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा बियर्ड्स और जो भी हेयर्स की जो रिलेटेड एडिटिंग है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि स्किन टोन के ऊपर होने वाले, कि परफेक्ट स्किन टोन कैसे दे अपनी पिक्चर में। तो आज के लिए गुड बाय।